दो पार हो चुका है। 93, 94 दो छः। ये पंप एंड डंप में इनका नाम आ रखा है कि भैया पंप एंड डंप करवा रहे थे। तो ये है भैया, ये हर किसी की चीज़ें बिगाड़ देता है, ये हर किसी की सोच ख़राब कर, हर कुछ बिकता है भाई इसमें, समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप भी यही कमाने के लिए काम कर रहे हो ना, तो यही कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से सोच समझ के रिसर्च करके क्या करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के? आई होप बढ़िया होंगे, मौज होंगे। भाई मैं अभी जस्ट उठ रहा हूँ और उठ के मैं बाहर आया, तो भाई बाहर का मौसम देखो, आज ज़बरदस्त सुबह सुबह का मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त व्यू भी आ रहा है नहीं, बहुत ही सही। जैसे यहाँ पर रूम पे एकदम ऐसे पर्दे लगे कि अंदर लाइट आ रही, बाहर लाइट आ रही, पता ही नहीं चल रहा है नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त। ये देखो सुबह सुबह का व्यू, सुबह सुबह का मौसम, और सुबह सुबह मैं जाऊँगा यहाँ पर नहाने के लिए, स्विमिंग करूँगा। आज का वर्कआउट होगा स्विमिंग का वर्कआउट, ज़बरदस्त यहीं पे होगा। ये उतना साफ पानी नहीं है बट स्विमिंग करने लायक है, पूरे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है भाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये देखो भाई कॉटेजेस है ना, ये फ्रंट व्यू वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये वो भी है 12, पीछे डुप्लेक्स वाले हैं यानी डुप्लेक्स वाले, उनके लिए जो ऐसे 5, 6 लोग, 7, 8 लोग आते हैं उनके लिए डुप्लेक्स टाइप का होता है, और जैसे 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग आते हैं तो उनके लिए ये फ्रंट वाले, मतलब फ्रंट वाले की अवेलेबिलिटी नहीं रहती वैसे यहाँ पे, बट स्टिल अपने को तो कल मिल गया कुछ बातचीत करके, जुगाड़ जुगुड़ करके, क्योंकि रिसेंटली चेकआउट किया था और किसी की बुकिंग आज थी उसको कैंसिल करके मेरे को दिया इनने, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर होने का ये भी फ़ायदा होता है, समझो। तो ये है सिस्टम सुबह सुबह का, और कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, चूँ 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 चूँ, नेट तो भूल जाओ, सिर्फ वाईफाई से काम चल रहा है, चिड़ियों की आवाज़। ये अब देखोगे वहाँ पूरा बगल में नदी है, नदी के पीछे पूरे पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, ये नदी के इधर इन्हें एकदम मस्त बना रखा है, बड़ी ऐसी जगह बना रखी है। दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा सुबह का व्यू देख के, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है और काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ है यहाँ पर चिड़ियाँ की, चू 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 करने वाली है, कीड़े मकोड़े की आवाज़, और ये अपना है यहाँ पर ड्रोन, मस्त शॉट आता है यहाँ पर से। अभी इसका ड्रोन क्वालिटी नीचे आई होगी क्योंकि मैं डायरेक्ट फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ ना, उसमें चिप लगती है, उसमें 4K में एकदम ऐसी ज़बरदस्त क्वालिटी आती है, बट मैं डायरेक्ट फ़ोन पर रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि उससे चिप से निकाल के डालने में मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर इंटरनेट है नहीं, तो मैं बड़ी मुश्किल से जुगाड़ से यहाँ से डाटा भेज पा रहा हूँ यानी, तो अभी देखते हैं, तो पहले थोड़ा नहा लेते हैं। दोस्तों मॉर्निंग का मौसम यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है अभी फिर से बारिश आती है, बारिश आएगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पर, ज़बरदस्त हो जाएगा मौसम। तो इसी मौसम के अंदर मैं जा रहा हूँ वापस से नहाने, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रखा है पानी के अंदर, पानी बहुत गंदा है क्योंकि इसमें बारिश गिर गई है, बारिश के बाद ही पानी ख़राब हो गया है। ये देखो पानी के अंदर गंदगी तुम्हें दिख रही है, ये देखो बहुत ही गंदा पानी, कीड़े मकोड़े देखो घूम रहे, तो गंदा है तो है पानी, लेकिन इस गंदगी के साथ डील करके ही अब नहाना पड़ेगा। आप गंदा पानी है और ये मुंह में गया तो फिर इसमें स्मेल भी आ रही है, एक ही चीज़ ख़राब है यहाँ का स्विमिंग पूल, इसमें क्लोरीन नहीं डाला है इनने। सुबह से अभी बारिश भी आ रही है यहाँ पे, और बारिश के साथ मौसम अगर आप देखो ज़बरदस्त हो रहा है, तो भाई मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ट्रेड भी करना है क्योंकि मार्केट ओपन हो चुका है, और मार्केट की अगर ओपनिंग आपको दिखाऊँ
तो मार्केट ओपन होती गिर गया, नेट यहाँ पर चल नहीं रहा है, तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं, नेटवर्क ही नहीं चल रहा भाई यहाँ पर। काफ़ी ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, देखोगे तो बारिश का मौसम हो गया उस साइड में, यहाँ पर मैं बैठा हूँ खाने के लिए। ये रहा मार्केट, ये ओपनिंग हो चुकी है, थोड़ा सा नीचे गया फिर उसके बाद वापस ऊपर चला गया। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट मेरा सेकंड राउंड हुआ है, जो अभी मेरा प्रॉफिट रनिंग है इस अराउंड 180,000, जो मेरा चल रहा है 167 के आसपास अभी कुछ चल रहा है। वहीं मैंने धन पर भी एक ट्रेड लिया था, नेट की वजह से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप देखोगे धन पर जो मेरी पोजिशन है इस अराउंड 24,000, एंड इस पर अभी अपना जो चल रहा है 160 के आसपास चल रहा है। तो मोर देन इनफ है, ब्रेकफास्ट करते ही अपना कुछ बन गया है, कुछ एवरेज मैंने किया था पहले भी, मैंने इस पर कुछ प्रॉफिट बुक किया। ओके, दो पार हो चुका है, 93-94 2-6, सो लेट्स सी क्या रहता है अभी का। सो गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ भी जल्दी, जो पैदल नहीं जा सकते उनके लिए गाड़ियाँ हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो बहुत बड़ा है भाई। अभी ये मॉर्निंग का देखो, कॉटेज की कॉटेज ज़बरदस्त। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ मुझे कुछ साइकिल वाइकिल दिख रही है, उसको जाता हूँ मैं चलाने, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह मेरा हो गया है, ट्रेड हो गया है ना। ट्रेडिंग से जितना दूर रहने की कोशिश करो, साला नेट वेट मिल जाता है तो फिर ट्रेडिंग इंसान करने लग जाता है, ब्रेक देने की जगह पर फिर ट्रेड बहुत मुश्किल है, ऐसे तो ज़िंदगी चली नहीं पाएगी। बारिश हो रही है ज़बरदस्त, अब मैं जा रहा हूँ ज़रा साइकिलिंग करने। साइकिलिंग हो गई, पूरा का पूरा घुमा लिया, अब वाली गाड़ी भी चलती है वहाँ देखो, स्पेशल गाड़ी वो लोग जाते हैं जिनके पैर कमजोर, हमारे तो पैर कमजोर है नहीं भाई। गाइस अभी यहाँ पर अपना टाइम आ चुका है चेकआउट का, और जैसे ही मैंने कल मेरी गाड़ी देखो इधर से फूटी पड़ी है नुकसान, नहीं इधर से ही फूटी पड़ी है नुकसान, तो नुकसान पर नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं दबा के, और अभी और नुकसान हो गया, तो मैं दिखाता हूँ ये देखो, यानी कितना ये जो मेरा प्रॉफिट था इसको मैंने लॉस में टर्न आउट कर दिया, यानी इस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था 2 के आसपास, इसको बदल दिया मैंने लॉस में, क्योंकि मेरे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पहले से थे, नेटवर्क मेरे पास था नहीं सही से, नेटवर्क ढूंढते ऑर्डर भी लग गए और वो नीचे भी आ गया, उसको काट दिया फिर ऊपर चला गया। तो मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि अपना जो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव दे रहा है 300-350 पॉइंट, यानी तो इसमें मेरा कुछ बन गया बैंक निफ्टी के अंदर, तो तब जाके कवर अप हो पाया, तो ऑलमोस्ट आप ही कह सकते हो ये तब जाके अभी एक अच्छा कवर अप हो पाया, वरना ये मेरे को बढ़िया डेंट दे रहा था, है नहीं। तो ये है भाई ये नुकसान लूजिंग स्ट्रीक चल के देखो, ये कल भेड़ी है बहुत ही गंदी, ये लूजिंग स्ट्रीक तो कुछ ऐसी चल रही है, अब क्या ही बताएं, है नहीं। अभी जाना है अभी जैसे 1:40 हो रहा है, तो नेटवर्क यहाँ तक प्रॉफिट हो चुका था विदाउट नेटवर्क, नो नेटवर्क जोन है, फिर भी ज़बरदस्ती ये किए, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं धन तो अपना वही है, चल जा थोड़ा सा नेट कितना स्लो चलता है, धन तो अपना 24 ऐसा कुछ है, इस पर 52, मतलब कुल मिला के मेहनत तो पूरी लगी, लास्ट में बचा कुछ नहीं हाथ में, नहीं ये होती है ट्रेडिंग भाई, ऐसी होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ से भी चेकआउट कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो लोग आ रहे हैं जो चेक इन करते हैं, मैं कर रहा हूँ चेकआउट, सो लेट्स गो। तो फाइनली गाइज अपना आज का जो सफ़र था, ट्रिप था ट्रेडिंग वेडिंग के साथ अपना, मतलब घूम फिर को तो आ गया, लेकिन खाली ट्रेड करके अपना अलग ही दिमाग खराब किया। तो पहले ट्रेड पोजीशन फाइनल क्या है आज की, वो अब देख लो, ये इसमें 24 बना हुआ है, इसमें अपना कवर अप हो गया था, ठीक है, मतलब बट मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें कुछ वो नहीं आया, क्योंकि मैंने बेसिकली अपना पूरा का पूरा खाली साइकोलॉजी ख़राब हुई पड़ी है ट्रेडिंग में, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, छोटा मोटा ब्रेक लेंगे अभी, है नहीं, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग का वीक मुझे पूरा ब्रेक लेना पड़ेगा, ताकि मेरा नेक्स्ट मंथ ख़राब ना जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है देखो, संजीव भसीन, इनको मैं इतने टाइम से सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, और काफ़ी फॉलो भी किया, मतलब इनकी स्टॉक्स रिकमेंडेशन आती रहती थी, है ना, CNBC पे, ये भर इन्हीं का ही रहता है, संजीव
बसीन बसीन के हसीन शेर ऐसा कुछ करके है ना, संजीव बसीन पर शेयर बाजार में हेर फेर करने के आरोप, सेबी ने शुरू की जांच, सबूत जुटाए सबूत। ठीक है, अभी IIFL सिक्योरिटीज़ के कुछ हैं मैं मतलब हाँ यहाँ पर लिखा ना IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़े हैं, इनका IIFL सिक्योरिटीज़ के नाम से इनके आगे से नीचे से टाइटल आता था संजीव बसीन जी का। ठीक है, अब ये पंप एंड डंप में इनका नाम आ रहा है कि भैया पंप एंड डंप करवा रहे थे, तो कोई प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू जैसे किसी स्टॉक को रिकमेंड करने वाले हो कि यार मुझे लग रहा है इसमें ऊपर की इस लेवल तक खुल सकते हैं, यहाँ तक का मुझे टारगेट दिख रहा है, इस स्टॉक में मुझे यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है और मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, इसके ऊपर मैं इसको बाय करूँगा, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे टीवी पर कुछ ही बोलेगा, अब मैं हूँ मेरे को समझ है कि भैया इनके चक्कर को नहीं पड़ना है ना ये पंप एंड डंप का, लेकिन जो नया है जो एक शेयर बाजार में जिसका नया इंटरेस्ट जाग रहा है, जो एक मिडिल क्लास मतलब फैमिलीज का एक मतलब एल्डर सन है, या भी कह सकते हो घर का जब सबसे बड़ा बेटा जो 30 या 35 साल की प्लस की उम्र में चल रहा है, 35-40-45 साल की, वो थोड़ा सा इन पर ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करता है, उनको लगता है क्योंकि उनकी एज कैटेगरी में मैच करते हैं, है नहीं तो उनको ऐसा लगता है हाँ यार इतने बड़े वो हैं, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग पापा लोग अगर उनको इन चीज़ें पर दिखाएंगे दो चार दिन, वो फिर पाँचवें छठे दिन से इनकी बातों को भर से ही मान लग जाएंगे। जैसे न्यूज़ में जो चीज़ चल रही होती है, जितना भी न्यूज़ में फेक चीज़ें चलाई होती हैं, तो हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग उसको तुरंत मान लेते हैं हाँ यार ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन वो बैक टेस्ट रिसर्च उस पर नहीं करते। तो इनके इससे चाहे उतने भी छोड़ो, अगर जो कोई बिगनर भी है, नया नया बंदा भी है जो इन्वेस्ट करता है, बेसिकली जॉब वाला पर्सन है, कुछ भी हो, कह रहे यार इतना बड़ा आदमी है न्यूज़ पर चीज़ें बताता है, टारगेट हिट हो गया, देखो मैंने कहा था टारगेट हिट होगा हो भी गया, ऐसा ऐसा कह रहा है ना, तो सच ही होगा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इनका इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। टीप आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं ना, न्यूज़ एंकर बने बड़े पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, है ना, उनकी तरह बैठते थे, उनकी तरह इनका आता था। तो पंप एंड डंप मतलब किसी भी स्टॉक का नाम लेने वाले हो, इन्हें पता है उस स्टॉक में इनके नाम देती है भूचाल आ जाता है, तो इनने क्या प्लान किया होगा कि हाँ चलो अपन क्या कर लेते हैं, किसी अपन तो कर नहीं सकते क्योंकि 30 दिन पहले या उस जिस स्टॉक का हम नाम ले रहे हो उस स्टॉक पर का नाम लेने के दिन से 30 दिन पहले तक उसमें आपकी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए और 5 दिन बाद तक कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ रेगुलेशन है यानी, लेकिन अब ये तो कर नहीं सकते, तो ये क्या किसी प्राइवेट कंपनीज उसके थ्रू कनेक्शंस बना के कि हाँ हम इस स्टॉक की अब बात करने वाले हैं, तो तुमने इसको उठा के रख लेना है और न्यूज़ पर आएंगे बात करेंगे कि हाँ ये वाला स्टॉक मुझे यहाँ जाता हुआ देख रहा है, इसमें खबर आ रखी है, यार की वो आ रखी है, यहाँ जा सकता है नहीं, और जैसे ही वो बढ़ने लग गया, वो उसका प्राइस चढ़ने लग गया, उस जिन प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू उस स्टॉक को बाय करवाया गया था वो प्राइवेट कंपनीज़ बेच देंगी, और जो रिटेलर्स ने बाय कर करके प्राइस ऊपर लेके गए है ना, उनको एग्ज़िट दे दिया, जैसे उनने एग्ज़िट लिया रिटेलर्स का पैसा ख़त्म फंस गया। तो इसको कहते हैं पंप एंड डंप, यानी किसी भी स्टॉक को रिकमेंड करने से बाय के बारे में बताने से पहले उसको खुद खरीद के रख लेना, जैसे ही आपने बताया आपका इन्फ्लुएंशियल पावर अच्छा है तो आपको वो स्टॉक का प्राइस लोग बाय करेंगे तो प्राइस जाएगा ऊपर, इनको एग्जिट लेने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ही अपनी बड़ी क्वांटिटी ऊपर के प्राइस पर बेचेंगे पूरा स्टॉक नीचे, क्योंकि आप एक दो बाय कर रहे हो, दस पंद्रह बाय कर रहे हो, एक लाख 50,000 से बाय कर रहे हो, ये भैया सीधा 100 करोड़ से माल बेचेगा है नहीं, 50 करोड़ 100 करोड़ से माल सीधा बेचेगा, तो स्टॉक तो आना ही नीचे, फिर रिटेलर बैठे रहेगा लेके बैठे रहेगा क्योंकि उसको तो लॉस होता होल्ड करेगा। सो ये होता है इससे, और सेबी ने ये चीज़ें पाई है कि इनने ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं है ना, सबूत जुटाए हैं, तो सेबी ने एक्शन लिया है इनके ऊपर। अभी क्या एक्शन लेती है, कैसा एक्शन लेती है, इन दोनों के बीच में चलेगा, उसका अपडेट आ जाएगा। तो इस कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया फाइनेंशियल एडवाइस फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, कितना ही भरोसेमंद आदमी किसी पर भी सोशल मीडिया के अंदर भरोसा नहीं करना है। नीट एंड क्लियर वर्ड्स, मैं हूँ कुछ भी बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये स्ट्रेटजी है, ये मेरी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, आपको करना है ये एक्स अमाउंट पे करो लो, बैक टेस्ट करना काम कर रही है नहीं कर रही है तुम्हारे लिए है ना, और तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है
रिजल्ट्स आ रहे ही नहीं आ रहे, तब तक उस पर पैसा नहीं लगाना है, तब तक उसको अपनाना नहीं है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लेना है। सो रिसर्च करो, बैक टेस्ट करो, तब जाके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो, किसी चीज़ में पैसा डालो, है ना। फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई भी, वो तो अलग चीज़ है, वो एक मतलब थोड़ा सा सिक्योर टर्म हो गया। फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी इतने खास है नहीं अभी के टाइम पे, है नहीं। तो अपनी खुद की रिसर्च, जब आप एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, इस फ़ोन को लेने के लिए आप 10 बार सोचोगे, 10 बार रिसर्च करोगे, बैंक ढूंढोगे, फाइनेंशियल ढूंढोगे, 10 चीज़ें करोगे, है ना, तभी तो जाके आप लोगे। तो अपना पैसा लगाने से पहले 10 बार रिसर्च किया करो किसी भी जगह में, ठीक है। आप रिसर्च नहीं करते हो तभी ऐसे उन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। किसने सोचा था कि इतना बड़ा आदमी, एक इतना मतलब अच्छी इमेज रखने वाला बंदा इस तरीके की चीज़ें करेगा। तो ये है भैया, ये हर किसी की चीज़ें बिगाड़ देता है, ये हर किसी की सोच ख़राब कर देता है, ये हर किसी के ना मतलब अंदर जहन में कुछ मतलब फरेब करने वाली चीज़ें डाल देता है ये, है नहीं। तो हर कुछ बिकता है भाई इसमें, समझ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप भी यही कमाने के लिए काम कर रहे हो ना, तो यही कमाने के लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से सोच समझ के रिसर्च करके क्या करो, क्योंकि ये जो कमाने में आपकी खुद की मेहनत लगी है, आप उसी को डबल करने की चाहत रख रहे हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो जब इसको डबल करने की चाहत रख रहे हो जहाँ पर तुम आपको सपने दिख रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर सपने बिक भी रहे हैं, और जहाँ पर सपने बिक रहे हैं वहाँ पर स्कैम मोस्ट प्रॉब्ली चलता है नहीं। तो सोच समझ के करना। बाकी ये था आज का दिन, आज की जगह आपको कैसी लगी जरूर बताना। बाकी अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी वाला फेस चल रहा है ना, एक तरीके से बिग लॉस के बाद थोड़ा सा साइकोलॉजी माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, बट कर लेंगे, अपन आज तक करते हुए आए हैं, तो वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो भाई अपन जो करते हैं वो बताते हैं। अभी कुछ टाइम बाद अपन स्टॉक्स में ओपनली मैं आपके साथ ट्रेड वेट अपने शेयर करने लगूँगा, ताकि FNO को छोड़ के आपको ये पता होना चाहिए कि भैया स्टॉक से पैसा बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है, ताकि आप FNO के चक्कर में ना पड़े। हो एज ए इन्फ्लुएंसर, अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंसिंग पावर मेरी भी है, या मैं किसी को भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो मेरा काम ये भी समझाना कि भैया FNO नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही नहीं, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सेफ एंड सिक्योर तरीके हैं मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फॉलो करते रहो, नई नई चीज़ें आपको बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा, सिखाते रहूँगा। टिल देन बाय बाय।